जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं मधुष्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसी रेसिपीज जो हमारे उड़ीसा के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के 56 भोगों में से है, जो कि श्री जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय हैं। क्या है वो रेसिपीज? पहला रेसिपी है घी अन्न, दूसरा है मीठा दाल, तीसरा है बेसर। तो चलिए हम भी बना लेते हैं अपने किचन में ये तीन तरह के प्रसाद जो 56 भोग से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम प्रिपेयर कर लेते हैं अभी हमारा महाप्रसाद, जो हम पहले शुरू करेंगे अपने घी अन्न से। घी अन्न के लिए मैंने यहाँ पर चावल, जो कि बासमती चावल है, मैंने इसको एक घंटा पहले भिगो लिया था। थोड़े से ऐसे खड़े गर्म मसाले चाहिए, जिसमें है बड़ी बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से लौंग और दालचीनी, किशमिश, गुड़ और देसी घी और नमक स्वाद अनुसार। अभी शुरू करते हैं। पहले हम घी डालकर किशमिश को तल लेते हैं। वैसे तो मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए, पर मेरे पास तो है नहीं, इसीलिए मैंने ये हांडी रख दी है। अभी इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और किशमिश को तल के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने किशमिश को तल के निकाल लिया है। अभी इसमें हम और 2 चम्मच घी देंगे, फिर उसके बाद राइस तैयार करेंगे। दो बड़े चम्मच घी दे दीजिए। घी अन्न है ना, इसीलिए थोड़ा घी तो ज्यादा जाएगा ही। इसमें हम डाल देंगे ये खड़े गरम मसाले, जो ये है बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। फूटने देंगे, अच्छे से तेल में तल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये गरम मसाले एकदम फूट गए हैं। अभी इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, चावल एकदम अच्छे से मैंने भून लिया है। अभी इसमें हम पानी डाल देते हैं। चावल से थोड़ा सा ऊपर ऐसे पानी, 1 कप चावल, 1 कप तो पानी, 2 कप। अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, फिर इसमें इसमें एक उबाल आने देंगे, फिर उसके बाद गुड़ ऐड करके हम इसको लो फ्लेम पर चावल पकने तक रख देंगे। देखिए दोस्तों, चावल में अभी उबाल आ गया है। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे मिठास के लिए, क्योंकि वहां तो चीनी ऐड होती नहीं है, इसलिए हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ डाल के इसको ढककर लो फ्लेम पर चावल पकने तक पका लेंगे। चलिए हम ढक देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारे घी अन्न। अभी इसमें हम किशमिश ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट और लगेंगे, फिर उसके बाद हमारा घी अन्न एकदम रेडी। के लिए ढक देते हैं और 5 मिनट बाद इसे बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 5 मिनट बाद हमारा घी अन्न एकदम रेडी है। चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा घी अन्न एकदम रेडी हो गया है। अभी चलते हैं हमारी दूसरी महाप्रसाद की तरफ, मीठा दाल बनाने। चलिए दोस्तों, हम अभी मीठी दाल बना लेते हैं, जो कि मीठा डाली हमारा महाप्रसाद का दूसरा रेसिपी। तो मैंने इसके लिए लिया है अरहर की दाल, जो मैंने 1 घंटा पहले धोकर भिगो लिया था। इसके लिए चाहिए हींग, थोड़े से जीरा,
और मीठा करने के लिए गुड़, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अभी हम घी ले लेंगे अपने प्रेशर कुकर में। वैसे तो ये बनता है मिट्टी के बर्तन पर, मुझे हमारे पास तो है नहीं, इसीलिए हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। मीठा डाली या मीठी डाली, इसमें हम अभी घी ले लेंगे एक चम्मच। इसमें अभी हम घी डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है। इसमें जाएगा जीरा, जीरा को जरा फूट लेने दीजिए। जीरा एकदम फूट गया है, देखिए दोस्तों। अब इसमें हम डाल लेंगे हींग। अभी हम डाल लेंगे हमारा देखिए दोस्तों, मैंने सारे डाल इसमें डाल दिए हैं। अभी इसमें जाएगी हल्दी और नमक और गुड़। हल्दी डाल देंगे एक चौथाई चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। और जैसे कि ये मंदिर का प्रसाद है, इसमें तो चीनी नहीं ऐड किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। अभी ये गुड़ इसमें जाएगा। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। पहले एक सीटी आएगा, उसके बाद उसको लो फ्लेम पे करके दूसरी सीटी दे देंगे, फिर उसके बाद हमारा प्रसाद वाली दाल एकदम रेडी हो जाएगी। चलिए इसको लगा लेते हैं कवर। एक सीटी आ गई है दोस्तों, मैंने अभी गैस के फ्लेम को लो कर दिया है। अभी दूसरी सीटी होने पर ये दाल एकदम रेडी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, दूसरी सीटी आ गई है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, फिर मैं ठंडा होने के बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, हमने मीठा दाल प्रस्तुत कर लिया है। हर साथ मैं सर्व करके दिखाऊंगी। मीठा दाल एकदम प्रिपेयर हो गया है, देखिए। अब चलते हैं बेसरो बनाने के लिए। तो अभी बना लेते हैं हमारा बेसरो रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है परबल, ये लॉन्ग बीन्स, ये है सूरन जो कि बड़ा आलू कहते हैं, ये है कच्चा केला और ये है कद्दू। क्योंकि हमारे शिव मंदिर में जो बेसर बनता है, उसमें थोड़े से कुछ परिवर्तन, कुछ सब्जियों को वहाँ पर अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया है, इसीलिए जो सब्जियाँ उसमें डलती है, मैंने उसी सब्जियों को लेकर यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है। और उसके लिए चाहिए ये नाड़ी बड़ी, जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। ये है गुड़, ये है ग्रेटेड कोकोनट। इसके लिए हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसमें मैंने ले लिया है जीरा, सरसों, थोड़े से काले मिर्च, अदरक और थोड़े से कटे हुए नारियल। इसको हम पेस्ट बनाएंगे, एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। और थोड़े से काले चने, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़े से नमक के साथ। अभी हम शुरू करते हैं बेसरो बनाना। पहले हम मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। इसमें मैं बता दूं, मैंने सरसों और जीरा और ये सब कितने क्वांटिटी में लिया है। मैंने यहाँ पे सरसों एक चम्मच लिया हुआ है, जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च 10 से 12 लिया है और अदरक इतने छोटे आधे इंच के टुकड़े में लिया है और थोड़े से नारियल। अभी शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा सा घी डालकर पहले इस बड़ी को फ्राई कर लेते हैं। घी डाल देते हैं कढ़ाई में। अब इस बड़ी को इसमें फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, घी गर्म हो रहा है। अभी इसमें बड़ी को फ्राई कर लेते हैं। केस आपके पास अगर ये बड़ी ना हो तो आप वो बड़ी अवेलेबल है, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ही बड़ी जाती है हमारे प्रसाद में। देखिए दोस्तों, बड़ी एकदम फ्राई हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए दोस्तों, मैंने सारे बड़ियां निकाल दी है। अभी हम थोड़ा सा और घी डालेंगे, फिर
सब्जियों को छोक लेंगे इसमें। और आधा चम्मच घी डाल दीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड जाएंगे। मस्टर्ड सीड को थोड़ा फूटने देंगे। देखिए दोस्तों, मस्टर्ड सीड एकदम फूट गए हैं। अभी इसमें हम अपने सब्जियों को डाल देते हैं। अभी सब्जियों को थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं 5 मिनट के लिए इसी हाई फ्लेम पर। थोड़ी देर के लिए अभी ढककर छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि ये मसाले को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अब हम इसमें ये काले चने ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी दे देंगे इसमें। थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लेंगे। जगन्नाथ मंदिर जी का सब प्रसाद थोड़ा मीठा रहता है, इसीलिए वो मीठा गुड़ से ही आता है। अब हम इसको ढककर सब्जियां पकने तक पका लेंगे। अब इसी वक्त अगर चाहे तो थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको ढककर लो फ्लेम पर पका लेते हैं सब्जियां पकने तक। तो 15-20 मिनट के बाद हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब इसमें अभी हमारा बड़ी जाएगा, ये नाड़ी बड़ी हमने फ्राई करके रखा था, फिर उसके बाद और 5-10 मिनट के लिए भर देंगे। अच्छे से मिला लीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हमारा प्रसाद एकदम रेडी हो गया है। बेसन एकदम रेडी। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल डाल देते हैं ऊपर से और मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन एकदम रेडी है। चलिए हम इसे परोस लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा प्रसाद तैयार कर लिया है। घी, अन्न, मीठा दाल और उसके साथ बेसरो। आप भी ऐसे ही प्रस्तुत कीजिए। हमारे जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय 56 भोगों में से ये 3 हैं। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में और भी कई सारी ऐसे ही डिशेस लाती रहूँगी। जगन्नाथ जी के फेवरेट डिशेस ऐसे ही लाती रहूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।